I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो guys, जो आज की क्लास है ना वो किस पे बेस्ड है? स्टोरी टेलिंग. ओके, इससे पहले मैं आपको चार स्टोरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना. जो आज की क्लास क्या है वो स्टोरी नंबर 5. ओके, और क्लास बहुत अच्छी होने जा रही है क्योंकि जो ये स्टोरी है आपको एक शिक्षा दे जाएगी, ठीक है ना. बिकॉज एवरी स्टोरी हैज़ अ मोरल, हर एक स्टोरी में एक शिक्षा होती है. ओके, अब इस स्टोरी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपकी स्पीकिंग है, उसको इम्प्रूव कर सकते हो. ओके गाइज, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम स्टार्टिंग द वीडियो नाउ. लेट्स सी, देखिए जो स्टोरी है ना उसका टाइटल क्या है, हर एक अच्छी चीज़ काम आती है, ठीक है ना. मतलब जो भी एक अच्छी चीज़ होती है वो क्या काम आती है, ये स्टोरी का टाइटल है. इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एवरी गुड थिंग वर्क्स, एवरी गुड थिंग वर्क्स. ओके, स्टोरी नंबर 5 है. ओके, तो देखिए एक किसान था. अब इसको इंग्लिश में किस बोलेंगे, देयर वॉज अ फार्मर. एक किसान था, देयर वॉज अ फार्मर. ओके, जिसके पास दो मटके थे. अब जो किसान था ना उसके पास क्या थे, दो मटके थे. तो जिसको जब इंसान की बात करते हैं, जिसका या जो आ जाए तो क्या लगाते हैं, हु, ठीक है ना. तो मटके थे मीन्स पास्ट की बात है, तो ही हैड टू पॉट्स. अब टू मीन्स दो, पॉट्स मीन्स मटके. ओके, तो ओवरऑल ये सेंटेंस क्या बनेगा, एक किसान था जिसके पास दो मटके थे. ओके, देयर वॉज अ फार्मर हु हैड टू पॉट्स. एक मटका टूटा हुआ था, ठीक है. अब दो मटकों में से एक क्या था, टूटा हुआ था. ओके, देन वन पॉट वॉज ब्रोकन. इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वन पॉट वॉज ब्रोकन और दूसरा सही था. ओके, द अदर वॉज राइट, ठीक है. तो ये अपनी इंट्रोडक्शन थी, जो स्टोरी की स्टोरी थी ना उसकी इंट्रोडक्शन क्या थी, हर एक अच्छी चीज़ काम आती है, ठीक है ना. तो इसकी इंट्रोडक्शन क्या थी, एक किसान था जिसके पास दो मटके थे, एक मटका टूटा था और दूसरा सही था. तो इंग्लिश क्या बनेगी, देयर वॉज अ फार्मर हु हैड टू पॉट्स, वन पॉट वॉज ब्रोकन एंड द अदर वॉज राइट. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. अब देखिए, वह किसान रोज उन दोनों मटकों को कुएं से भरकर लाता था. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें, वह किसान रोज उन दोनों मटकों को कुएं से भरकर लाता था. अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, द फार्मर यूज़ टू. अब यूज़ टू का मीन्स क्या होता है, जो काम किया करते थे, मतलब वो पानी लाया करता था फार्मर. ओके, द फार्मर यूज़ टू ब्रिंग मीन्स लाना, दोज टू पोर्ट्स मतलब उन दोनों मटकों को, दोज टू पोर्ट्स डेली मीन्स रोज. अब कहाँ से लाता था, फ्रॉम द वेल. अब वेल मीन्स क्या होता है, कुआ. ओके, नेक्स्ट, मगर लौटते समय मतलब जब वो किसान था लौट के आता था, ठीक है ना, लौटते समय टूटे हुए मटके से आधा पानी बचता था, ठीक है ना. जो टूटा हुआ जो ब्रोकन पॉट था ना उसमें आधा पानी बचता था. इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बट वाइल रिटर्निंग का मीन्स क्या होता है, लौटते समय, ठीक है ना. वाइल रिटर्निंग होम मतलब घर पर, हाफ द वॉटर वॉज लेफ्ट इन द ब्रोकन पॉट. हाफ द वॉटर वॉज लेफ्ट इन द ब्रोकन पॉट, तो इसका मीन्स क्या होता है, हाफ द वॉटर मीन्स आधा पानी, ठीक है ना. लेफ्ट मीन्स बचा देता था, इन द ब्रोकन पॉट जो टूटा हुआ मटका था उसमें, ठीक है ना. तो ओवरऑल स्टोरी अपनी क्या हो गई, एक किसान था जिसके पास दो मटके थे. ओके, अब किसान क्या करता था, दोनों मटकों को जब कुएं से भर के लाता था तो उसमें से जो टूटा हुआ मटका था वो क्या, उसमें आधा पानी बचता था. अब आगे की स्टोरी देखते हैं. तो सही मटका टूटे हुए मटके का मजाक उड़ाया करता था. जो सही मटका था ना वो क्या करता था, टूटे हुए मटके का मजाक उड़ाया करता था. तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तो बोलते हैं सो, द राइट पोर्ट मतलब सही मटका, यूज्ड टू मैंने आपको बताया जो अपनी हैबिट हुआ करती थी. ओके, यूज्ड टू मेक फन ऑफ द ब्रोकन पॉट, ठीक है ना. यूज्ड टू मेक फन ऑफ द ब्रोकन पॉट मतलब जो टूटा हुआ मटका था उसका मजाक उड़ाया करता था. ओके, नेक्स्ट, इसलिए जो टूटा मटका था वो क्या करता है, किसान से पूछता है. तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसलिए बोले सो द ब्रोकन पॉट, टूटा हुआ मटका, द ब्रोकन पॉट
आस्क मीन्स पूछना, आस्क द फार्मर, अब किससे पूछता है, किसान से, कि मेरा कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। वो क्या बोलता है, जो टूटा मटका था ना, वो होपलेस हो जाता है, ठीक है ना। अब वो निराश हो जाता है, तो किसान से क्या बोलता है कि भैया मेरा कुछ महत्व नहीं है, ठीक ना। तो दैट आई हैव नो इम्पोर्टेंस, अब आई हैव मतलब मेरे पास क्या नहीं है, इम्पोर्टेंस किस महत्व, ओके। नाउ जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसकी बात करते हैं। फिर किसान टूटे हुए मटके को समझाता है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, जो फार्मर था ना, टूटा हुआ मटका था, उसको क्या एक्सप्लेन करता है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, देन मीन्स फिर, देन द फार्मर एक्सप्लेन्स, मतलब जो किसान है वो एक्सप्लेन करता है टू द ब्रोकन पॉट, किसको, टूटे हुए मटके को, कि जब मैं आपको कुएं से वापस लेकर आता हूँ। अब किसान क्या बोलता है टूटे हुए मटके से, कि जब मैं आपको कुएं से वापस लेके आता हूँ, ठीक है ना, वेन आई ब्रिंग यू बैक, वेन आई ब्रिंग यू बैक फ्रॉम द वेल, ठीक है ना, फ्रॉम द वेल मीन्स कुएं से, ठीक है ना। तो जो एक तरफ पानी वहाँ, ठीक है ना, तो जो एक तरफ पानी फैलता है वहाँ, कितने सुंदर फूल और पौधे उठ गए, मतलब उग गए। तो किसान क्या बोलता है कि जब मैं आपको वापस लेके आता हूँ ना, तो जो आपके जो आप में से जो पानी जो लीक होता है, जो टपकता है, उसके कारण क्या हो चुका है, सुंदर फूल और पौधे उग गए, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सो मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मतलब बहुत सारे खूबसूरत फूल, सो मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड प्लांट्स, मतलब पौधे, हैव ग्रोन, ग्रोन मीन्स उग जाना, देयर मीन्स वहाँ, ठीक है ना, देयर मीन्स वहाँ, अब कहाँ, देयर मीन्स वहाँ, विच स्प्रेड, विच स्प्रेड का मीन्स होता है जहाँ पे, स्प्रेड मीन्स फैलना, विच स्प्रेड वाटर, मतलब जहाँ पर क्या होता है, पानी फैलता है, ऑन वन साइड, मतलब एक तरफ, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोलता है, जो फार्मर था ना, वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है किसको, मटके को, कि भैया जिस तरफ आप रहते हो वहाँ से पानी लीक होता है, तो पानी लीक होने के कारण क्या, वहाँ बहुत सारे प्लांट्स और जो फ्लावर्स थे खूबसूरत, वो ग्रो हो गए थे, ओके। आगे देखिए, जबकि जो सही मटका है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जबकि जो सही मटका है, अब जबकि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर इज देयर इज नॉट अ सिंगल फ्रूट, ठीक है ना। अब देखो इसका पूरा एक्सप्लेन मैं करता हूँ, जबकि जो सही मटका है उसकी तरफ एक भी फल और पौधा नहीं है, अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वेयर इज मीन्स जबकि, देयर इज नॉट अ सिंगल फ्रूट, मतलब एक भी फ्रूट नहीं है, एंड प्लांट और पौधा नहीं है, ऑन इट्स साइड, मतलब उसकी तरफ, ऑन इट्स साइड विच इज द राइट पॉट, मतलब जो साइड क्या थी, सही मटके की, वहाँ पे एक भी फ्लावर और प्लांट नहीं है, ओके। सो इट इज प्रूव्स, सो इट प्रूव्स, इससे यह साबित होता है, सो इट प्रूव्स दैट कि यू आर इम्पोर्टेंट टू, मतलब आपका भी महत्व है, ठीक है ना। तो जो स्टोरी है ना, इसका मोरल क्या है, कि हर अच्छी चीज़ क्या काम आती है, जो मटका था उसकी इंटेंशन अच्छी थी, ओके। तो जो मटका था ना, उसके थ्रू भी मतलब क्या हुआ, एक काम हुआ, मतलब जिससे पौधे, ठीक है ना, जो प्लांट्स थे और फ्लावर्स थे वो उग गए, ठीक है ना। तो वी शुड गिव इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी गुड थिंग, वी शुड गिव इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी गुड थिंग्स, बिकॉज एवरी गुड थिंग वर्क्स ऑन टाइम, ओके। सो वी शुड नॉट अंडरस्टिमेट एनीथिंग, वी शुड नेवर अंडरस्टिमेट एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ओके। इवन डस्ट कैन ऑल्सो बी यूजफुल, जो डस्ट होती है ना, वो भी क्या हो सकती है, यूजफुल, ओके। तो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियोज, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे, जय हिंद।